सारे काम कर बोल के ये चमार समाज का रास्ता राजपूत समाज ने रोक रखा है। देखो दीवार के ऊपर से हम शमशान घाट में पहुंच रहे हैं। इस पर्थी को कैसे जो है ना दीवार के ऊपर से उतारा जा रहा है। बोल बोल दे तुम। शमशान घाट में देखो कैसे राजपूत समाज ने हमारा रास्ता रोक लिया, इसलिए अर्थी को दीवार के ऊपर से कैसे उठाया जा रहा है। ये जो हर बहुत बोल के सारे काम कर ये चमार समाज का रास्ता राजपूत समाज ने रोक रखा है। देखो दीवार के ऊपर से हम शमशान घाट में पहुंच रहे हैं। इस पर्थी को कैसे जो है ना दीवार के ऊपर से उतारा जा रहा है। बोल बोल दे तुम। शमशान घाट में देखो कैसे राजपूत समाज ने हमारा रास्ता रोक लिया, इसलिए अर्थी को दीवार के ऊपर से कैसे उठाया जा रहा है। ये जो हर बहुत शर्म की बात है। धन्यवाद भाई। कल हम काफ़ी दिनों से जो हमारा रास्ता राजपूत समाज ने रोका हुआ है, इस विषय में कल हम प्रशासनिक अधिकारी असलम साहब से मिले थे। उन्होंने बी डी ओ साहब को तुरंत प्रभाव से यहाँ भेजे मौके पर। बी डी ओ साहब यहाँ आए, कुछ सीटें भी दीवार की उखाड़ी गई, लेकिन फिर दूसरे समाज के लोग आने से माहौल तनावपूर्ण हो गया, इसकी वजह से वो वापस चले गए। तो आप क्या चाहते हैं जी? हम ये चाहते हैं हमारे वहाँ आने जाने का रास्ता मिल जाए, हमारे साइड तक जो साइड बना हुआ है हमारे समाज का, वहाँ तक आने जाने का रास्ता मिल जाए, वही मिल जाए जो सदियों पुराना था। एक हमारे गाँव में 2-3 दिन पहले से एक वीडियो वायरल हो रहा है शमशान घाट का, जो कि सरासर गलत किया गया है। क्योंकि हमारे जो समाज में दादी सती का मंदिर है, उसके लिए जितने भी हमारे शमशान घाट बने हुए हैं बाईकास्ट, सबके लिए एक ही रास्ता चुना गया है। हम प्रशासन से प्रार्थना करते हैं कि एक बार मौके पर आकर के जायजा लिया जाए, अगर जो कोई गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। बाकी के जो बिना वजह के वीडियो वायरल किए जा रहे हैं, इस ये गलत है। 2-3 दिन पहले अनुसूचित जनजाति द्वारा एक वीडियो डाला गया था कि रास्ता बंद कर दिया गया शमशान भूमि का, ये है वो है, ये निराधार वीडियो था, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सर्व समाज का एक रास्ता बनाने का प्रयास किया गया है ताकि शमशान भूमि पे सारा समाज एक ही रास्ते से जाए और एक ही सबके लिए कानून और ये बने। यह बात हमने प्रशासन को भी अवगत कराई गई है, उनके सामने हमने कुछ सबूत भी रखे हैं। हम चाहते हैं कि प्रशासन मौके पर आए और जो भी सही काम है उसका दिशा निर्देश करे, हम उसका पालन करेंगे। हाँ, उसके विषय में रानीला गांव के कुछ लोग मेरे से मिले थे, सुबह मिले थे, उन्होंने शिकायत दी थी। तो मैंने ये बता के वीडियो ना दिखा के, उन्होंने फ़ोटो दिखा कर ही दिखाया था कि भाई दीवार बनाई उसके ऊपर से अर्थी लेके आने का कुछ ऐसा था फ़ोटो। तो संबंधित जो वीडियो को मौके पर भेजा था, तो वो शाम को जाके उसने रिपोर्ट दी है कि उसके रास्ते और भी हैं, लेकिन कुछ उनका आपस में दो वो गुट हैं, उनके आपस में कुछ मतभेद है, उसके लिए वो उसने अपना समय दिया दोनों पक्षों को मिलने के लिए। और बारिश का मौसम है, जैसे ही थोड़ा मौसम ठीक होता है तो उसका मैं भी मुआयना करूँगा समय लगते ही। और उसके ऊपर दोनों पक्षों को हमने यही आग्रह किया है कि भाई आप किसी भी तरह की अव्यवस्था ना करें, माहौल को ठीक बना के रखें, सभी की जिम्मेदारी है। और जिसकी भी ज़मीन है, जहाँ तक उसकी जानकारी उसने दी अभी तक, ये पंचायती ज़मीन है, इसके ऊपर को किसी तरह का अवैध निर्माण या अतिक्रमण या रास्ता रोकने की ऐसी कोई काम नहीं कर सकता।